हेलो दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको एंट्रेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज़ आप जाके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। जिन लोगों का भी 15/4/20 से पहले ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, वो सारी की सारी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब मैं आपको बता दूँ, इसकी लास्ट डेट 31/5/2020 है। अगर आपने इस साल फॉर्म फिल नहीं किया तो आप सीधा के सीधा नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी बाकी एग्जाम भी पेंडिंग में चल रहे हैं। आप इस फॉर्म को फोकस कीजिए, इस फॉर्म को फिल कीजिए जल्दी से, तो आप इस साल एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, उनके मन में कन्फ्यूजन है कि उनको मेल नहीं आया, और जिनको मेल आया उसमें पेंडिंग बता रहा है। तो आपको मैं बता दूँ, जिनका मेल नहीं आया है वो मेल के लिए इंतजार करें, उनका मेल ज़रूर आएगा, ठीक है। अब जिनका मेल आया है उस मेल में ये बता रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन एग्जामिनेशन, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन पेंडिंग विद एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है, फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है और आपका एस्टेब्लिशमेंट भी पहुंच चुका है, बट एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। जैसे एस्टेब्लिशमेंट अप्रूवल देता है आपका, आप फॉर्म एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ही आपका फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट अप्रूवल कर देता है, उसके बाद आपको एक और मेल आएगा। उस मेल में आपको बताया जाएगा कि आपका हॉल टिकट कैसे जनरेट होगा। अब जैसे ही एनसीईआरटी और डीजीटी एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल जारी करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एस्टेब्लिशमेंट आपको हॉल टिकट जनरेट करके दे देगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो उसके रिगार्डिंग, आप अपने एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि सर ऐसी सी बात है, हमें हमारा एडमिट कार्ड जारी कर दीजिए, ठीक है। यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।